रोखा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन चर्चा में ले रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ललित निबंध शिरीष के फूल। हम उसके गद्यांश और सारांश को इसके अंतर्गत आज देखेंगे। इसके पहले हम रजिया सज्जाद जहीर जी की कहानी नमक को अध्ययन चर्चा में ले चुके हैं, तो चलिए सबसे पहले शिरीष के फूल शीर्षक ललित निबंध के सारांश को जानते हैं। मैंने यहाँ ललित निबंध शब्द का प्रयोग किया है, तो यह आवश्यक होगा कि मैं आपको ललित निबंध के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ललित शब्द जो है वो लालित्य को प्रकट करता है, और जब ऐसी भाषा में जिसमें कोमलता हो, प्रवाह हो, आलंकारिकता हो और सरल तरीके से कोई निबंध लिखा जाए, तब उसे ललित निबंध कहते हैं। तो यह एक ललित निबंध है और इसके सारांश को देखिए। लेखक ने यानी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल में कहा है कि यह फूल आंधी, पानी, गर्मी और भीषण लू में भी अविचल रहकर अपनी कोमलता को बिखेरता रहता है। असल में लेख का कहना यह है और लेखक इसके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि फूल के माध्यम से मनुष्य को जीवित रहने की जो अदम्य इच्छा है आदमी के अंदर, कोलाहल के बीच में धीरज के साथ खड़े रहने, समाज के साथ चिंतारत रहने और अपने कर्तव्य पर डटे रहने के जो महान मूल्य हैं, उनको लेखक ने असल में हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। माध्यम बनाया है शिरीष के फूल को। लेखक को गांधी जी की भी याद आती है इसी लेख में। उन्होंने शिरीष शरीर की ताकत के स्थान पर आत्मा की शक्ति के प्रति समाज में विश्वास स्थापित किया था, परंतु अब आत्मा की शक्ति वाला विश्वास समाज में घटता जा रहा है। वे शिरीष के फूल की कोमलता के वर्णन के इतिहास में पहुंचते हैं और फिर इसके माध्यम से मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में भी अपनी विचार नौका को ले जाते हैं। उस काल के जीवन और सामंतों के वैभव विलास के खोखलेपन को भी लेखक ने उजागर किया है। इस निबंध के माध्यम से कवि ने प्रतीक कथा ही बुनी है। शिरीष के पत्तों और नए फलों के द्वारा पुराने फलों को धकेलकर सामने आने की प्रवृत्ति को लेखक ने समाज, साहित्य और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद के साथ तुलना की है। इस तरह वे नएपन का स्वागत करते हैं और इस स्वागत करने की परंपरा के साहस का महत्व भी वो बताते हैं। तो यह था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ललित निबंध शिरीष के फूल का सारांश। और अब हम इसी आलेख से एक गद्यांश लेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। गद्यांश आपके सामने स्क्रीन पर आएगा और इसी तरह प्रश्न भी स्क्रीन पर आएंगे। मैं उनका वाचन नहीं करूंगा, उत्तर बताऊंगा, लेकिन पहला प्रश्न जरूर पढ़ूंगा ताकि इसकी शुरुआत हो सके। तो चलिए इस गद्यांश का पहला प्रश्न देखिए। शिरीष को क्या बताया गया है और क्यों? उत्तर है, शिरीष को अवधूत बताया गया है क्योंकि वह दुख हो या सुख कभी भी हार नहीं मानता। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी वह न जाने कहां से अपना रस खींचता रहता है, हर समय बस आनंद में मग्न रहता है। दूसरा प्रश्न,
स्क्रीन पर आपके पास, और इसका उत्तर एक वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। और अब तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर, उत्तर है कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के फूल के समान ही थे, यानी कि मस्त और बेपरवाह, परंतु फिर भी सरस और मादक भी। और अब प्रश्न चौथा स्क्रीन पर, उत्तर है कालिदास के बारे में बताया गया है कि वे जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। लेखक अनासक्त और फक्कड़ को ही कवि बताता है। तो यह था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ललित निबंध शीर्ष के फूल के गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर वाला हिस्सा। अगली बार हम इसी निबंध के प्रश्नोत्तर करेंगे। कृपया से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको हमारी वेबसाइट की वेब लिंक भी मिल जाएगी, उसके जरिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल पैदा होता हो, आपकी कोई भावना अभिव्यक्त करने की आप में इच्छा हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हमें उसका उत्तर देते हुए बहुत प्रसन्नता होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।